नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्षण आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। दिल्ली में बिना फेस मास्क घर से बाहर निकलने पर अब 500 का नहीं 2000 रुपए का चालान कटेगा। दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमते पर चालान काटा जा रहा है, लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क के घूमने पर 2000 रुपए का चालान काटेगा। अगर आप घर के बाहर बिना मास्क के घूमने के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए 4 और नियमों को तोड़ा तो उसके लिए भी आपको 2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिहार के रहने वाले एक सिरफिरे युवक की करतूत सामने आई है। बिहार से गोरखपुर अपनी ससुराल आए युवक ने छठ के लिए अपनी पत्नी की विदाई नहीं होने पर साली की 3 साल की बेटी का अपहरण की वारदात को अंजाम दे डाला है। घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई तिवारीपुर पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के साथ ही मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर में घुसकर के महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या हुई है। चाकू घोंपकर डॉक्टर की हत्या की गई, साथ ही 2 बच्चों पर भी हमला किया गया। पूरा मामला थाना कमला नगर इलाके का है, जहां पर महिला डॉक्टर निशा की हत्या हुई है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने संकेत दिया है कि वे सत्ता संभालने के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे। इसी साल अप्रैल में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को WHO से अलग कर लिया था। ट्रंप का आरोप था कि संगठन ने चीन के प्रभाव में आकर कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को जल्दी आगाह नहीं किया। अमेरिका के हाथ खींचने पर संगठन ने फंडिंग की कमी की बात भी कही थी। आलू प्याज के बढ़ते दामों के बाद अब तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने के उपयोग में होने वाले सभी खाद्य तेल मूंगफली, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ की औसत कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में 20-30% तक बढ़ोतरी हुई है। सुबह सवेरे में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।